पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक परमात्मा कबीर जी को छोड़कर जितने भी महान आत्मा यहाँ पर आए हैं उन्होंने जनता को कुछ ज्ञान देने की चेष्टा की है, तो उस काल ने उनको अपने कब्जे में कर लिया और उनके माध्यम से, क्योंकि वो पिछले पुनकर्मी प्राणी होते हैं, उनके माध्यम से ये अपना अड़ंगा ज्ञान जनता में बटवा देता है, सबको मिसगाइड करवा देता है और उन पुण्यात्माओं के पिछले जन्म जन्मांतर के चार्ज किए हुए पुण्य होते हैं उनके आधार से उनकी वचन में भी शक्ति होती है, कुछ एक सिद्धियाँ भी उसमें विद्यमान होती हैं, उनकी कुछ दिव्य दृष्टि भी काम करती रहती है, वो भविष्य भूत का थोड़ा बहुत बता सकते हैं। इससे प्रभावित होकर के जनता उनको परम धनी और परम संत मानकर चिपक जाती है। वो होते हैं काल के प्रेरित, काल के अंतर्गत काम कर रहे होते हैं और वो फिर अपना जीवन भी नष्ट कर जाते हैं और करोड़ों और पुण्यात्माओं श्रद्धालुओं को जो उनकी शरण में आते हैं काल के जाल में ठोक जाते हैं। परमात्मा कबीर जी जब प्रथम सतयुग में आने लगे थे यहाँ पर, उस समय काल भगवान मिला था इनको तपस्या के ऊपर और कबीर परमेश्वर जी अपना रूप छुपा कर आते हैं। ये काल भगवान ज्योत निरंजन भी उनको पहचान नहीं पाता, इसलिए तो आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा है कि फाई सूरत मुलुकी वेश ए ठकवाड़ा ठगी देश खरासियाना बोता बारिय धानक रूप रहा करतार। ठगवाड़ा यानी किसी को पता नहीं चलने देता, सतलोक में भी यही खुद स्वयं विराजमान है और यहाँ एक दुलाहे के रूप में भी ये स्वयं ही विद्यमान है। उसमें परमात्मा ने अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना रखा था। काल भगवान ने देखा कि ये जोगजीत यहाँ कैसे आ गया मेरे लोक में, क्योंकि जोगजीत रूप में ही परमात्मा ने इस काल को सतलोक से निष्कासित किया था 21 ब्रह्मांड समेत। किस कारण से? कि इसने दुर्गा को, प्रकृति को बुरी नजर से देखा था और उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कुचेष्टा की थी। दुर्गा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इसके पेट में शरण ली थी और परमात्मा ने अपने पुत्र के रूप में आकर के उसके पेट से लड़की को निकाला था और कहा था कि सुन ले आदेश परम पिता का, निकल जा अपने किस ब्रह्मांड को लेकर, ले जा सब प्राणियों को जो तेरे साथ आसक्त होकर आए हैं, यहाँ से 16 शंख कोस की दूरी पर चला जा। ऐसा ही हो गया वचन होते ही, तुरंत चल पड़े किस ब्रह्मांड विमान की तरह और सतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पर आकर यहाँ चक्कर काटने लगे। जब परमात्मा ने देखा कि मेरी प्यारी आत्माओं को बहुत बुरी तरह सता दिया इसने, तब परमेश्वर ने दया आई हमारे ऊपर, यहाँ हाहाकार मची हुई है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, किसी की बेटी विधवा होगी, किसी के छोटे से बच्चे के बाप मर गए, माता भी मर गई, ऐसा जुल्म इसने किया हुआ था, कर ही रखा है, तो परमात्मा ने दया आई और तपस्या के ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भून कर खाता है, उसमें से गंध निकालता है। तपस्या के ऊपर ये प्राणी तड़प रहे थे, मटक रहे, चटक मटक हो रहे थे जैसे खील भूनते हैं। उस समय परमात्मा वहां आकर खड़े हुए। परमात्मा क्या शीतल शरीर है, शीतल परमात्मा के सामने सब ये दुख भाग जाते हैं।
वो तपत जो उनको तंग कर रही थी प्राणियों को, वो तपत समाप्त हो गई। तपत जो कि तू जल रही है लेकिन उन प्राणियों को असर नहीं कर रही परमात्मा की कृपा से, वो सब बैठ गई। पहले तो चिल्ला रहे थे, तब देखा परमात्मा को सामने और पूछा, हे भगवान, हम यहाँ कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? तब परमेश्वर ने कहा कि ये तुम्हारा यहाँ का किया हुआ कर्म नहीं, ये तुमने सतलोक में गलती करी थी। तुम इस काल भगवान के साथ आगे अपनी गलती से सारी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने। तब उनको समझ में आई सब प्राणियों को जो तपस्या पर भूने जा रहे थे, और उन्होंने कहा, भगवान हमसे गलती बहुत भारी बन गई, हमें बचा लो मालिक। तब परमेश्वर ने कहा था कि ऐसे नहीं निकाल सकता तुम्हें, जब तुम जाए धरो जग देहा तब तुम करना मेरे सतनाम स्नेहा। जब तुम यहाँ से कभी मनुष्य जीवन प्राप्त करो अपने संस्कार वश, और मेरा संत कोई वहाँ पर इस तत्व ज्ञान का प्रचार कर रहा हो, इसको पहचान कर और उस सतनाम को प्राप्त कर लेना, तब मैं तुम्हें छुड़वा सकता हूँ। इतनी बातें हो ही रही थी, उसी समय ये काल आ गया उनको खाने के लिए रूटीन में। जब परमात्मा ने कहा कि तुम निराकार बताते हो जिस ब्रह्म को, देखो वो आ रहा, ओछा माथा, छोटी गर्दन, लंबे दांत, ये है देख, अब तुम्हें खाने आ रहा ये। और कहा परमात्मा ने, अब तुम जाओ, अब मेरी इसकी होगी। वो तपस्या से मालिक ने उड़ा दिए वहां से, वो चले गए अपने संस्कार वश, जहां भी उन्होंने जन्म लेना था या नरक में जाना था, पशु बनना था। अब वो काल भगवान जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जो आपको हम सबको यहाँ पर घेरे हुए है, उसने देखा कि जोग जीत आज यहाँ कैसे आ गया, इसने मुझे सतलोक से भगाया था, आज इसने गढ़ूंगा कुटूंगा खूब, अपना बदला लूंगा, ये मेरे लोक में कैसे आ गया मेरी आज्ञा बिना। इस उद्देश्य से उसने कहा, जोग जीत तू यहाँ किस लिए आया? पहले तो मुझे ये बता तेरे आने का कारण क्या है? पिताजी ने कोई आदेश दिया है तेरे को तो वो बता दे मेरे को, पहले तो वो संदेश सुना दे जो तू लेकर आया है, फिर आज तेरी खैर नहीं, तेरी देह तोड़ूंगा मैं, कुटूंगा तुझे। तूने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की थी, मुझे वहां से निष्कासित किया था। तब परमात्मा ने कहा, जोगजीत रूप में खड़े थे कबीर भगवान के, ज्योत निरंजन, मैं आदेश पाकर आया हूं परमेश्वर का, यहां पर तूने इन प्राणियों की के दुर्गति कर रखी है, तेरे साथ ये आए थे, तूने ऐसा जुल्म तो नहीं करना चाहिए था इनके साथ, कोई कैसे दुखी हो रहा है कोई किसी प्रकार। तो ये क्या कहता है कि मैंने तो परमात्मा के सामने कहा था, कोई जो जैसे कर्म करेगा मैं तो वैसा ही फल दे दूंगा भगवान, मैं अन्याय नहीं करूंगा। परमात्मा ने कहा कि तूने ही तो अन्याय करवा रखा सारा, तेरे लोक में न्याय नाम की चीज नहीं। और आदेश है परमात्मा का, मैं नीचे के लोकों में जाऊंगा और तेरा भांडा फोड़काऊंगा, कहूंगा ये भगवान नहीं है, ये तुम्हारा शत्रु है, तुम्हें खा रहा है, इसलिए तुम्हें मूर्ख बना रहा है, झूठे लालच में लगा रहा है। आज तुम माता पिता कहते हो ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, ये मेरी कार है, ये कोठी है, एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है, तुम्हारा है कौन? बोली आत्मा, सोचो समझो कुछ। और परमात्मा ने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया है, उस मंत्र को दूंगा और सब उस मंत्र का जाप करके, दो अक्षर के मंत्र का, सतनाम का, धनी होकर के ये फिर वापस आ जाएंगे, तेरे रोके नहीं रुकेंगे। अब काल ने सोचा तेरी तो बात बिगड़गी, ये तो नाश करेगा तेरा, उजाड़ेगा तुझे। कह लाल आंखें कर ली, परमात्मा बता रहे हैं अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, जैसे वो मिलते हैं अच्छी आत्माओं को। अब उसने देखा कि तो भाई बात बिगाड़ेगा तेरी, लाल आंखें कर ली और कहने लगे, पहले मैं तुझे अभी करता हूँ ठीक, नीचे जब जागा ना तुझे जीवित छोड़ूंगा मैं, एकदम मारने के लिए करके लाल आंख विकराल शरीर, और कहते मेरी तरफ लपका।
और पुण्यात्माओं आपको आगाह करते हैं, भगवान हमें याद दिलाते हैं कि आपत्ति के समय आपने किसी रिलेटिव को याद नहीं करना चाहिए, परमात्मा को याद करें और सतनाम का जाप करें। सतनाम ये दो अक्षर का। परमात्मा ने कहा धर्मदास मैंने ना फिर सतनाम का जाप शुरू कर दिया सुहास से। ऐसे कहते हैं इसकी इतनी प्रबल शक्ति है, काल ऐसे गिर गया नीचे, इतना भयभीत हो गया, इसमें से ऐसी शक्ति निकली और वहां से वो नीचे पाताल में जाके गिर गया। मैं इसके साथ साथ पाताल में गया, ये हाथ जोड़े पैर पकड़े मेरे चरणों में लिपट गया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, तुम मेरे बड़े भाई मैं तेरा छोटा भाई। फिर मैंने कहा कि चल वही बात करेंगे ऊपर आ जा। हम फिर दोनों उसी के उस लोक में चले गए 21वें ब्रह्मांड में, जो अक्सर पुरुष के लोक से नीचे आते ही पहला द्वीप है, पहला लोक है इसका। तब वहां बातें की, इसने पैर पकड़ दिए मेरे 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म ने, कबीर परमात्मा कहते हैं, और चरण पकड़ कर कहने लगे मुझे माफ कर दो, मैं तो छोटा भाई, बड़े तो अक्षमाशील होते हैं, छोटे तो गलतियां किया करते हैं, अक्षमाशील हो तुम, मैं तो आपको पिता के समान मानता हूँ, बड़े भाई हो ना तुम। चापलूसी प्रारंभ कर दी। मैंने कहा बोल क्या बात है कि माफ कर दो, कि कर दिया माफ, मुझे कुछ वचन दे दो, मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि है उनको पूरी कर दो, आप तो परमात्मा के उस शब्द शक्ति से युक्त हो, आदेश लेकर आए हो, आप तो उन्हीं के तुल्य हो। तो परमात्मा ने कहा कि मैंने उससे बोला कि बोल क्या चाहता है, कि वचनबद्ध हो जा। मैं वचनबद्ध हो गया, कबीर परमात्मा कहते। इसने क्या कहा कि हे प्रभु, तीन युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हरमोय दीजे तब तुम गवन संसार ही कीजे। तब मैंने कहा भी ठीक है, तीन लोकों में थोड़े जीव ले जाएंगे और चौथे कलयुग में हम अपनी सब आत्माओं को निकालेंगे सच्चा ज्ञान दे करके। तो काल ने एक और प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, आपका ज्ञान, आपके ज्ञान को जो माने वो आपका, और मेरे ज्ञान पर आधारित रहे और मेरे वाले नाम जाप करे वो मेरा होगा, आप उसके साथ जोर जबरदस्ती ना करना, बाई फोर्स ना ले जाना कलयुग में, किसी भी युग में। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, जो हमारे ज्ञान से हमें पहचानेगा, हमें मानेगा, हम उसको पार करेंगे, और जो तेरे ही आश्रित रहेगा, तेरे ही ज्ञान पर आश्रित रहेगा, हम उसको सतलोक नहीं ले जाएंगे, ये वचन हो गए। उस समय जब परमात्मा ने तथास्तु कर दी, उसी समय इसके तेवर बदल गए, आंख बदल गया, कहने लगा जोग जीत जाओ संसारा, जब तुम कलयुग में आओगे ना जीव उद्धार करने के लिए, उससे पहले तुम आओगे या तुम्हारा कोई दूत भेजोगे, संदेशवाहक भेजोगे, कोई संत भेजोगे, उससे पहले मैं पूरी पृथ्वी पर नकली पंथ चलाऊंगा और सतलोक के गुण गवाऊंगा, सतपुरुष सतलोक कहा करेंगे और वो नाम देंगे मेरे ही तक के, काल तक के, और वो बात करेंगे सचखंड और सतलोक की, और वो मेरे ही मुख में समाये रहेंगे। क्या कहा था कि द्वादश पंथ करूं मैं साझा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश पंथ बारह पंथ, द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख आंसम हुई, और अनेक पंथ चलाऊं जैसे राधा स्वामी दन दन सतगुरु जय गुरुदेव, और ये मथुरा वाले, दिनोद वाले, ताराचंद वाले, और ये बाल योगेश्वर के जो अंसादेश वाले, निरंकारी वाले, ये या साराम राले, सुधांशु जी राले, ये सारे काल के लोग हैं,
ये दूसरे तरीके से, और ये राधा स्वामी वाले तो सीधे सतलोक के आवाज लगाते हैं और कख का पता नहीं न सतलोक के बारे में। पांचों नाम ये काल के जाप करें तो ये तो है ना पक्के काल के अंदर फंसे हुए। तो इसने कहा था कि जब तक तुम आओगे बिचली पीढ़ी में, उससे पहले तो मैं कलयुग में इन सबको कंडम कर दूंगा और मेरे दूत जाकर के तेरे नाम तय सतखंड सतलोक सतपुरुष के नाम से डंडोरा पीट के और सभी प्राणियों को मिसगाइड कर देंगे। और जब पीछे से तेरा संदेश वाहक जाएगा उसकी कोई नहीं सुनेगा, वो अपना भौंकता रहेगा। और बेशक जा फिर हंसा बड़ा जोर थे, तो परमात्मा तो बालक थोड़े ही थे, वो तो उसके बाप हैं। बच्चा तो बच्चे वाली बातें करता है, मालिक को पता था। फिर इसने क्या कहा था, जब बाद में प्रार्थना करी इसका याद आ गई, ये कौन सा मंत्र देगा वो तो मैं भूल गया मांगना। काल ने कहा कि ए भाई ए परमात्मा, एक काम करना, मुझे वो मंत्र बता दे सतनाम कौन सा है, और जिसके पास वो सतनाम होगा ना मैं उससे दूर हो जाऊंगा, मैं उसको पकड़ूंगा नहीं। परमात्मा बोले ईसा नरा पागल मत समझा मने, जय यू सतनाम तुझे बता दूंगा तब बट्ठा बठा देगा तू, और तेरे दूत सारे ये सतनाम देते पाऊंगे दो अक्षर का, फिर मैं कैसे भिन्नता बता पाऊंगा। और मेरे सतनाम जिसके पास होगा काल, तू निकट जा ही नहीं सकता, मेरे इस सतनाम में इतनी शक्ति है जो तुझे अभी दिखाई रियर एक ट्रेलर दिखाया था तेरे को, मेरे इस सतनाम में जो मेरे परम संत लेकर जाप करेगा उसकी इतनी प्रबल शक्ति होगी। परमात्मा ने कहा है कि जिस समय ये हंस आत्मा हमें समझाते हैं कि जब तुम सतलोक की तरफ चलो और किसी कारण से भी मान लीजिए कोई यम के दूत तुम्हारे चारों तरफ घेर ले तुम्हें, उस समय सतनाम का सिमरण कर देना। एक का बतेरा इनको 12 करोड़ यम के दूत हैं, और कहते हैं मौला बैठा मोर्चे और देखे जन की भेड़, 12 कोट जम की इंकर जहां पर एक नाम की खेड़। खेड़ जैसे ये जोटे बढ़ा करे ना आपस में लड़ते हैं, नुखेड़ मारा करे उसको खेड़ बोलते हैं। कहते हैं 12 करोड़ यम दूत भी तेरे चारों तरफ आ जावे, एक बार इसका श्वास उश्वास से सतनाम का सिमरण कर देना, इतनी दूर जाएंगे नु ढूंढे नहीं पाओ ये एक मंत्र के जापते हैं। और वहां पर कहीं उस समय तुम आपत्ति में नो को आयु रिमा मर गया फिर कोई लाभ नहीं होगा, परमात्मा को याद करना उस समय। तो परमात्मा से इसने कोशिश तो की थी कि उस 2 अक्षर के नाम का पता लग जाए, इसलिए इसने गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में परमात्मा ने उसको बताया था सतनाम दूंगा और फिर एक सार नाम है वो दूंगा, इन इन आदि नाम से और सतनाम से मोक्ष होगा प्राणियों का। तो इसने वो गुप्त इसका याद इसने पता ही नहीं था ओम तत् सत अपने वाला तो क्लियर लिख दिया, और तत और सत ये सांकेतिक कोड वर्ड इसको पता नहीं, काल को ये दास भेजा मालिक ने बताने के लिए। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने कहा था ठीक है आन देव समय फिर देखो बताऊंगा तेरे को मैं कैसे समझाऊंगा। परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था धर्मदास कलयुग में एक ऐसा समय आएगा कि पूरा विश्व मेरी शरण में होगा और सभी प्यारी आत्मा प्यार से भक्ति कराया करेंगी और प्यार से रहा करेंगे, या माया की दौड़ खत्म हो जाएगी, हाहाकार मच रहा है उस समय बहुत बुरा हाल होगा प्राणियों का, एकदम शांत होंगे सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा एक बार फिर दोबारा। और उस समय तक हमने इंतजार करना पड़ेगा। आज मैं तुझे जो बात कह रहा हूं धर्मदास ये उसी दिन साची होंगी जो मैंने समय रख रखा है, उस समय मैं पहुंचूंगा, मैं स्वयं आऊंगा और
अब सर्व पंथों को समाप्त करके एक पंथ चलाऊंगा। अपने आत्माओं, पहले तो इन काल के दूतों ने कबीर जी के नाम से पंथ चलाए, जैसे अच्छी आत्माएं आई, जैसे आदरणीय धर्मदास जी के नाम से पंथ चला, उसका पुत्र चूड़ामणि था, उसको परमात्मा ने अपनी पावर से उसको एक पुत्र दिया और धर्मदास जी से कह दिया था कि इसको सतनाम मत बताना, केवल वो पांच नाम देना। वो कौन से पांच नाम हैं? ये निरंकार, ओंकार, ये ज्योत, निरंजन, सतनाम, ये नहीं है। वो पांच नाम ये दास आपको देता है सात मंत्रों में, इन कमलों को खोलने के हैं। और सतनाम नहीं बताना किसी को। तो धर्मदास जी ने ऐसा ही किया था। ऐसे ही फिर आगे चल के धर्मदास जी के बाद चूड़ामणि, चूड़ामणि से फिर आगे किसी ने बात नहीं सुनी, वो नाम बदल दिए काल के दूतों ने सब। वो पांच नाम बिना छोड़े एक और मंत्र शुरू कर दिया, अजर नाम, अमर नाम, पाताल सब, सिंधु नाम, पता नहीं एक पूरा शब्द गोट गोटवा दिया, याद करवा दिया। और फिर परमात्मा ने उसे कहा था कि कलयुग में जब ये 12 पंथ चलेंगे ना काल के सारे, और इन काल के दूतों ने जो भी कहना सुनना है, जो उनका अनुभव है, वो बोल चुके होंगे और सब पुस्तक बना चुके होंगे, उस समय मैं जाऊंगा या अपना दास भेज दूंगा, उसको फिर वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र दे दूंगा, दिव्य दृष्टि दूंगा ज्ञान समझने की और समझाने की, और फिर वो जा करके जनता शिक्षित हो जाएगी। उस समय शिक्षा का दौर शुरू करूंगा। परमात्मा ने इसलिए शिक्षा दी अपने को, नई शिक्षा की कति आवश्यकता नहीं थी। इसने बेईमान बना दिया अपने को, इतने चतुर बना दिया, हम भगत भी ना छोड़े, इसने अभिमान तो भर दिए। जिसको छोटी सी पोस्ट हाथ लगी धरती तोल देता है, वो नहीं समझता किसी को कुछ भी, अर्जीव की औकात क्या है ये भूल चुका अपने आप को। इसलिए परमात्मा हमारी औकात से हमें परिचित कराते हैं तत्व ज्ञान के आधार से। कितना अभिमान कर रखा किसी प्राणी ने, कितना बड़ा अधिकारी कर्मचारी और या कोई मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना फिर है, एक मिनट में अदरक मार जा, माखी मुंह में के बड़हर निकले, हाथ भी ना उठे, क्या औकात इस जीव की। तो हम अपनी स्थिति से परिचित होकर के फिर एक नॉर्मल वे से रहा करेंगे। तो परमात्मा ने कहा था कि जो भी ये संत होंगे नकली, ये अपनी सारा अनुभव लिखवा देंगे, सुनाते सुनाते कई पीढ़ी बीत जाएंगी इनकी, और फिर मैं जाऊंगा या अपना दास भेजूंगा अपनी शक्ति का हथियार दे करके, और फिर वो उनकी पोल खोल लेगा, और फिर वो प्यारी आत्मा मुझे पहचान जाएंगी और नकलियों को भी पहचान लेंगी, सचमुच ये तो नाश कर दिया इन्होंने हमारे जीवन का। तो उस समय आने दे वो समय, और जब तक मैं अब ये जो कह रहा हूं कि ये ऐसा ऐसा होगा, ये लिख दिया तूने मेरे ज्ञान में, तब तक तो ये ऐसा लगेगा जैसे ऊट पटांग सा, किसी का जच्चे को नहीं। और जब वो समय आएगा फिर देखना कैसे रजा होगी। अब आपको थोड़ा सा परमात्मा के इस समय के विषय में, जो अब आ गया वो समय जो परमात्मा ने निर्धारित किया था कि धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तिरही। अरे धर्मदास तो ये लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार ना जाए। एक मूल ज्ञान, ये तत्व ज्ञान था, ये असली ज्ञान है मूल ज्ञान, और एक मूल मंत्र है सतनाम और सारनाम। इनको कहा था अभी कहीं जो सार्वजनिक ना करना, छुपा के रखना, और ये मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, जो दास आपको बता रहा, ये पहले इन नकलिया का आत्मा होता तो फिर देखना क्या होता। आज कैसे पहचानते हम भगवान को, यही मंत्र ये भी दे रहे होते थे, इनको सतनाम का पता लग जाता। अब ये उबाई बंटते हैं, बकते हैं सतनाम का, नहीं पता इन्हें है क्या चीज़, कदे सतलोक कहें, कदे सचखंड, कदे सतपुरुष सतनाम,
कदे सार शब्द सतनाम, फिर सतनाम सतनाम, ये न्यू नींद में बांटे सारे। इनको जैसे सनिपात का जोर हो जाता है ना, सनिपात उस तरह बिरडाव है ये। इनको पता था ही नहीं, तो मालिक ने दया बख्शी हमारे ऊपर, इस दास को भेज दिया। तो उसमें परमात्मा ने कहा था कि मैं आऊंगा, और धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ ही बिचड़ी पीढ़ी हंस नितर ही, और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ मिट जाए। अपने आत्माओं, अब आ गया वो समय जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास से कहा था कि धर्मदास जब तक वो समय नहीं आओगा, इतने तो मेरा ये वचन ऐसे लगेंगे जैसे निराधार हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और जब समय आओगा, जब देखना ये कैसे एक्शन होगा। अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर से थोड़ी सी झलक। पुणात्माओं, भक्ति करना बहुत आसान है, परमात्मा पाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये विश्वास होना कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, और जिसको हम परमात्मा इष्ट मान रहे हैं ये वास्तव में भगवान है, तो फिर भक्ति में कोई दिक्कत को नहीं। एक श्वास का सिमरण इतना कीमती, होए होए, एक सतनाम का सुमरण भी कर दे तो कहते कितनी, कहते हैं सतनाम पालड़ रंगोरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोक पासिंग दर रंगोरी हो, तोना तुले तुलाया राम रंगोरी हो, एक सुमरण की कीमत है। और आप कितना सुमरण करोगे सतनाम का, आपको खूब पता है। आपको डटे ना जा, मालिक सी प्रेरणा करता है, रह रहकर याद दिलाता है, और सारा दिन में कम से कम 1500 तो आप सुमरण करते ही हो, कम से कम बताता हूँ। और इतना भी करते रहोगे तो भी मोक्ष आपका। अपने आत्माओं, अधिक कर ले तो घना बढ़िया। अब कहने का भाव ये है कि अब आपको सतलोक दिखाते हैं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले क्या फरमाया था। ये 12 पंथ करूं मैं साझा, काल ने 12 पंथ चलाए और कहा और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, जोग जीत जाओ संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा ना माने, और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। काल कह रहा था कि मैं ऐसे उल्टे रंग में रंग दूंगा इनको, तू जाएगा या अपना कोई और भेजोगे कोई संत, मेरे उल्टे रंग में रंगे हुए सभी उसके साथ वाद विवाद करेंगे, तुम्हारे कहे नहीं मानेंगे वे। तो परमात्मा ने कहा था आप अपना काम करें और आन देव समय, फिर दिखावांगे कौन ना मानेगा और कौन मानेगा, उसमें बताएगा। अब आपको दिखाते हैं इन 12 पंथ कौन कौन से हैं जिनमें, और फिर परमात्मा ने कहा था कि फिर हम आएंगे उस बार में पंथ में आगे चल के सब पंथों को मिटाकर एक बना देंगे। ये देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से, और इसका संशोधन करता भी कबीर पंथी ही है। प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, और ये यहाँ से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई से। अब इसके एक कबीर वाणी चैप्टर है, ये देखिएगा, ये कबीर वाणी अध्याय है और पृष्ठ नंबर 136 पे, और इधर से ये बोध सागर है 136-137 पृष्ठ पे, आपको पढ़ के सुनाते हैं। द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब ये क्या बताते हैं कबीर, ये है परमात्मा की वाणी पद्य भाग। द्वादश पंथ काल फुरमाना है, है। इन 12 पंथों में काल का फुरमान होगा, और भूले जीव न जावे ठिकाना,
द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना। काल का फुरमान, काल का आदेश चलेगा इसमें, बारह पंथों में। ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अपुनात्मो, ये प्रथम जो है, यहाँ कहते प्रथम जग में जागो भरमावे और बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे। ये प्रथम जागुदास का यहाँ पर उन्होंने प्रथम लिख दिया और चूड़ामणि को अलग काट दिया, जबकि प्रथम ये चूड़ामणि का पंथ है कबीर पंथ से। क्योंकि अब यहाँ इन्होंने गद्य भाग में देखिएगा, ये 1870 बोध सागर कबीर चरित्र बोध, ये कबीर चरित्र बोध नामक एक अध्याय है कबीर सागर में, और ये 1870 पृष्ठ पर नीचे देखिएगा गद्य भाग में कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत। प्रथम नारायण दास का पंथ है, वहाँ उन्होंने जागुदास का बता दिया है। दूसरा है यागुदास को से जागुदास का पंथ। तीसरा सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमालीय, ये कमाली पंथ नहीं है, ये कमाल का पंथ, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, और जीवा पंथ, और बार माह गरीबदास पंथ, ये छुड़ानी वाला गरीबदास है। ये इसमें प्रथम नारायण दास है। यहाँ इन्होंने सच्चाई यहाँ से हटा दी, यहाँ नारायण दास कर दिया, यहाँ होना चाहिए था चूड़ामणि का पंथ। क्योंकि नारायण दास ने तो कबीर साहब का मार्ग अपनाया ही नहीं था, बिल्कुल सुना भी नहीं था उसने तो। यहाँ देखिएगा फिर आगे हम यहाँ कबीर वाणी चैप्टर में 136 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा। अब ये चूड़ामणि का प्रथम, ये दूसरा जागो का इन्होंने प्रथम कर दिया यहाँ पर। द्वादश पंथ काल फुरमाना, अरबुल्य जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या, वन समारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम है चूड़ामणि, और यहाँ दूसरा है, ये दूसरा ये लिखा प्रथम, ये दूसरा होना चाहिए। फिर भी यु जागुदास, सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन पंथ, टकसार पंथ, ये वही है जो कहता हूँ, ये सतनामी पंथ, जीवा पंथ, राम कबीर पंथ, अब यहाँ दसवां पंथ परम धाम की वाणी, ये है ग्यारहवा, और इब आगे ये बारहवा पंथ है। ये बारहवा पंथ जो है ये गरीबदास का पंथ है। संवत 1775 होई, ये संवत 1775 नहीं 1774 है, मिस प्रिंट है। ये संवत 1774 और सन 1717 में आदरणीय गरीबदास गांव छुड़ानी जिला जज्जर वाले का जन्म हुआ था, ये उसके विषय में है बारहवा पंथ। वहाँ भी आपने देखा, यहाँ देखो ये बारहवा पंथ, ये कबीर चरित्र बोध में 1870 पृष्ठ पे, कबीर चरित्र बोध में 1870 पृष्ठ पे गद्य भाग में ये बारहवा गरीबदास का पंथ है। अब हम यहाँ आगे हैं फिर कबीर वाणी में, वो कबीर चरित्र बोध हम पढ़ रहे थे, अब कबीर वाणी में आगे हम 136 पृष्ठ पे फिर आ रहे हैं नीचे को। अब संवत 1775 होई, ये 74 है, और तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। अब आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, और कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग ठोड़ जन्म नहीं पावे। गरीबदास के पंथ वालों के बारे में कह रहे हैं। और बारहवें पंथ प्रगट हो वाणी, बारहवें पंथ में गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, और मेरे ही उसी ज्ञान के ऊपर वो कुछ विचार विमर्श करेंगे, लेकिन वो समझ नहीं सकेंगे गरीबदास पंथ तक के प्राणी, अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये बारह पंथ हमी को ध्यावे। अस्थिर माने वो सनातन परमधाम सतलोक नहीं जा सकते, ये बारह पंथों के प्राणी गरीबदास पंथ तक के। फिर का कहा कि बारहवें पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे, सब पंथों को मिटा करके एक पंथ चलाएंगे, हम ही आएंगे गरीबदास वाले पंथ में। ये रामपाल दास, बारहवें पंथ हम ही चल आवें, परमेश्वर कहते हम आएंगे चलकर उसमें बारहवें पंथ में आगे चल के, और सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावें, तब लग
अब कहा कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मघर मांडो में दाना, ये प्रथम चरण है कलयुग का, प्रथम पीढ़ी जब परमात्मा मघर से सह शरीर गए थे। तीन चरणों में परमात्मा ने बांटा है। पुण्यात्मा, परमेश्वर ने तीन चरणों में कलयुग को बांटा है। प्रथम चरण जब परमात्मा मगर से सह शरीर गए, कहा है कि ये है प्रथम चरण और बिचली पीढ़ी, अब ये दास आपके समक्ष है, अब ये बिचली पीढ़ी आ गई है। और अंतिम पीढ़ी, अंतिम चरण में लोग, ये कलयुग के व्यक्ति कृत गनी हो जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे, सारे मांसाहारी होंगे। और पुण्यात्मा, अब भी बिजली बहुत गिर चुकी है, लेकिन अब एकदम पूरे विश्व में एकदम शांति होगी, सतयुग जैसा माहौल बनेगा, सब बुराई छोड़ देंगे। मांस खाने की चीज़ है, शराब पीने की वस्तु है, सिगरेट या धुआं, ऐसा बुरा हाल इस तम्बाकू के धुएं को, वैसे भी कोई बालक के मुख में चला जाए तो भी खांसी उठती है, और ऐसे गंध को हमने ये काल खुआ रहा है, तो कोई नहीं टच करेगा इसको, फिर बाद में देखना कुछ ही समय में। अब परमात्मा ने क्या बताया पुण्यात्माओं, अब कच्चा नहीं छोड़ा उन्होंने जो लिखा था, लेकिन लिखा है ऐसे ढंग से कि कोई समझ नहीं सके इस दास के बिना, क्योंकि जिस पर परमात्मा प्रसन्न हो और उसने जिस उद्देश्य से उसको भेजा है उसी को देगा। फिर वो हथियार ना तो दुरुपयोग कर ले कि तौर बर्बाद कर दे, काल के फंस जा। अब यहाँ परमात्मा ने कहा कि बर्मा पंथ जो गरीब दास जी आवेगा उसके अंदर मैं अपनी वाणी फीड करूँगा, मेरी महिमा की वाणी उसके द्वारा पुनः उजागर होगी। क्योंकि अब परमात्मा को पता था काल के दूत आवेंगे कबीर पंथ बना करके, और ये कबीर सागर तत्व ज्ञान को भी फेर बदल कर देंगे। इन्होंने कबीर सागर में काफ़ी गड़बड़ी कर रखी है, परमात्मा ने दया करी हो, इनका हाथ ना लग गया, ना इसने भी खोज दें हो कती है, पाट देते इस पन्ने को ही, या दोबारा लिख देते, या दया करी दाता ने, तो उन्हें मालूम था। इसलिए गरीब दास जी के द्वारा वो अमर वाणी, अपनी महिमा की वाणी दोबारा लिपिबद्ध करवा दी। और जो आज परमात्मा ने प्रमाण दिया है कि बारहवें पंथ प्रगट हो वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, लेकिन वो इसको समझ नहीं पाओगे गरीबदास पंथ तक के भी व्यक्ति, और अस्थिर घर का मरम न पावें, सतलोक नहीं जा सकते, ये बारह पंथ हम ही को जावें। कबीर कबीर करेंगे, सतपुरुख सतपुरुख करेंगे, लेकिन ये स्थान सतलोक नहीं पा सकते। फिर कहा कि बारहवें पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाओ। अब इसके साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया कि जब कलयुग बीते 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। अपुणात्मा सन 1398 में परमात्मा आए और तीन के चार के आसपास पांच वर्ष की आयु में वो ये तत्व ज्ञान बोलने लगे थे, और उस समय उन्होंने ये ज्ञान दिया था और कहा था कि जब कलयुग बीत जाएगा ना 5505 वर्ष, तब यो मेरा वचन साचा होएगा। ये देखिएगा आगे हम पढ़ रहे हैं कबीर सागर, ये कबीर वाणी हम पढ़ रहे हैं। यहाँ आगे पढ़ते पढ़ते बारहवें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावें, तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। धर्मदास से कहा है कि अभी तुम रहस्य ना खोलना, प्रचार अवश्य करते रहो। प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मघर मांडो मैदाना, प्रथम चरण में, और धर्म राय से मांडो बाजी, तब धर्मबोधो पंडित काजी। आगे देखो ये कलयुग के बारे में बता रखा है कि जब 3400 ग्रहण पढ़ लेंगे लेखा दीन, ये कलयुग की आयु बताई है भगवान ने, और फिर बताया है 5505 तब ये शब्द होगा साचा, 5505 वर्ष। इसके संदर्भ में एक और अनमोल वाणी परमात्मा ने बताई है, देखिएगा। हाँ, पहले इसको क्लियर करते हैं फिर वो आगे समझ में आओगी। फिर ये आपने यहाँ तक पढ़ लिया, फिर कहा धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये मूल शब्द बार जिन जाई, बाहर ना जाई, ये मिस प्रिंट हो रहा, बाहर ना जाई। धर्मदास मेरी लाख दोहाई मूल ज्ञान, ये मूल है, गलती से भूल लिखा है, मिस प्रिंट है।
सब मूल मूल शब्द बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, लेकिन मूल ज्ञान गोई तुम रखो, गुप्त रखो असली ज्ञान को, जो अब दास बता रहा इसको। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गोए हम राखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ मिटाई। अपने आत्माओं, अब इसका फिर एक और समर्थन दिया परमात्मा ने कि जब कलयुग बीतता 5500 पाचा, तब ये शब्द मेरा होगा साचा। अब पहले तो ये देखते हैं कि युग कलयुग 5505 कैसे हो रहा है। अपने आत्माओं, परमात्मा ने दया बख्शीश दास पे सब प्रमाण दास को उपलब्ध करा दिए, ताकि परमात्मा के बच्चे पहचान सकें सच्चाई क्या है। पवित्र हिंदू धर्म के अंदर शंकराचार्यों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को ऑथेंटिक माना जाता है। उन्हीं से ये सिद्ध करते हैं कि अब कलयुग का कितना समय व्यतीत हो चुका है। एक हिमालय तीर्थ पुस्तक है शंकराचार्यों के द्वारा लिखी गई, उसमें लिखा है कि एक शिव रहस्य नामक एक सदग्रंथ है, उसमें लिखा है कि जब 3500 वर्ष 3000 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, 3000 कलयुग के बीत जाने पर उस समय बौद्ध धर्म का बहुत कुछ वहां प्रचार हो रहा होगा, उस बौद्ध धर्म के प्रचार का नाश करने के लिए शंकराचार्य का जन्म होगा कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद। और फिर दूसरी तरफ से इन्होंने उनके जीवन की निर्धारण को कैसे बताया है कि ईसा मसीह से 508 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ। ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म हुआ। तो हम मानकर चलते हैं सन 2000 से, सन 2000 में हम काउंटिंग करते हैं गणित की रीति से। सन 2000 में शंकराचार्य का जन्म सन 2000 से कितना पहले हुआ, 2508 वर्ष पहले हुआ 2000 से। और उधर से 3000 कलयुग के बीत गए थे जब हुआ, दोनों को जोड़ दो, 5508 वर्ष हो गए सन 2000 में। और फिर पीछे चले हम थोड़ा, 5505 निकालने के लिए 5508 है ये, तो 1999 को हो गए 6 न 7, 1998 को हो गए 6 5506, 1997 को हो गए 5505 वर्ष। यानी 1997 में इस दास को परमात्मा मिले थे। फाल्गुन सुदी अमावस्या से अगले दिन एकम के दिन, दिन के 10 बजे मुझे परमात्मा मिले थे। और उन्होंने कहा था, बेटा ही वा गया सबे, सतनाम के ढोल के डंके पर खोल दे सारे राज ने। पुनात्माओं, हमने कबीर साहब की वाणी और ये रहस्य हिमालय इन में अब पता चला है, 5500 वर्ष कैसे बनते हैं पांच। और दास ने अपना ये संकेत पहले दे दिया था कि 1997 में परमात्मा मुझे मिले थे, और सतनाम के दान करने का सही समय बताकर अंतर ध्यान हो गए थे, और तब तक कहा था ये मेरे मिलने का भी तू जिक्र ना करना भी। अब ये ना सोचना कि आज आंकड़े में डाके में दास बोल रहा है, झूठ नहीं चला करती, ये सत का मार्ग है। आपको दिखाते हैं आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में दास ने पहले लिख रखा है, ये देखिएगा आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है, आपने आपके कर कमलों में, इसके 538 पृष्ठ पर देखना, यथार्थ कबीर पंच परिचय इसका सब्जेक्ट है, ये अध्याय है, नीचे आइएगा। मुझ दास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम
मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले। सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय देकर अंतर ध्यान हो गए तथा इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया। अपुनात्माओं, अब आपको दिखाते हैं ये हिमालय तीर्थ, यानी 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत गया था और तब परमात्मा ने आके दास से कहा था कि अब कर दे काम, अब समय आ गया है। और आज वो साचा वचन हो गया कि तब ये वचन मेरा होगा साचा, देखिएगा हिमालय तीर्थ। कलयुग कितना बीत गया ये प्रमाणित करते हैं, ये एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, ये इसका लेखक है जेपी नंबूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का, ये ट्रैक्स एंड टूर्स कोलकाता, ये प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, बामा चरण राय रोड कोलकाता, और मुद्रक है गिरी प्रिंट सर्विसेज कोलकाता। ये यहाँ से अब इसके 42 पृष्ठ पर देखते हैं, ये 42 पृष्ठ है, हिमालय तीर्थ पुस्तक है, नीचे आइएगा। शंकराचार्य की विशेष जानकारी है, ये कोई शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसमें से ये एक श्लोक ले रखा है शिव रहस्य का, इसका अनुवाद ऐसे किया है, कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे, उनका जन्म होगा 3000 कलयुग के व्यतीत होने पर। हम इससे इतना ही लेंगे बस। देखिए बाप ने क्लियर हो गया कि हिमालय तीर्थ नामक पुस्तक ने प्रमाणित कर दिया कि श्री शंकराचार्य का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद हुआ। अब इसमें यह सिद्ध होगा कि सन 2000 से, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ। ईसा जी का जैसे आज तो 2012 चल रहा है, हम 2000 से गिन लेंगे, आसानी से गिनती हो जाएगी, और चाहिए इसे शुरू कर दिए बात वहीं जाकर डटेगी। अब देखना, एक ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ पुस्तक है शंकराचार्यों की लिखी हुई, इसके देखना यहाँ पर है। ये ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये इसके लेखक एवं संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली, ये इनके सहयोगी, मुद्रक है फाइन प्रिंट एंड पैक्स, प्रकाशक अखिल भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान उत्थान मंडल, ये इनका पता है गली नंबर 2 रामनगर तिवाड़ी मंडोली रोड सादरा दिल्ली में, ये इनके फैक्स और फोन नंबर है, संपर्क कर लियो। अब इसके 11 पृष्ठ पर आते हैं, ये 11 पृष्ठ है और यहाँ पर शंकराचार्य जी के जीवन के ऊपर कुछ विवरण है, आद्य गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय। अब यहाँ बताया है कि उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व, शंकराचार्य का जन्म चर्मराती अवस्था के युग में केरल प्रांत के पूर्णा नदी के तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्म निष्ठ नंबूदरी शैव ब्राह्मण श्री शिव गुरु व धर्मपरायण शुभद्रा के घर हुआ। श्री शिव गुरु तैतरीय शाखा के यजुर्वेदी थे। शंकराचार्य का जन्म भगवान शंकर के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। अब देखो यह क्लियर हो जाता है कि गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव का समय ईसा मसीह से पहले 508 वर्ष, ईसा मसीह से 508 वर्ष पूर्व हुआ, ईसा पूर्व, और या 476, ये इन्होंने गलत लिखा है, या वो 32 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी, इसमें से 32 कम कर दो 476 रह जाएगा, और इसका जन्म है 508 वर्ष पहले, तो इन्होंने यहाँ लिखा लगभग 2500 वर्ष पहले, तो 5500 वर्ष हो गए, 2000 फिर
इससे अगर मिलाएंगे तो 5508 वर्ष हो जाते हैं सन 2000 से मानकर चले हम, ईसा के 2000 वर्ष बीतने से हम गिने तो 508 वर्ष पहले हो गया, तो 2508 वर्ष के हो गए 2000 ईसा के 2000 जैसे अब बीता है ईसा को, तो उससे पहले 508 ये हो गया, तो 2508 वर्ष ईसा से 2000 से आगे 2508 वर्ष पूर्व जन्म हुआ किसका, शंकराचार्य का। और उधर से आपने हिमालय तीर्थ में पढ़ा के 3000 वर्ष बीत गए कलियुग के जब हुआ, 3000 तो इधर से बीत गए, 2000 सन से 2508 वर्ष पहले हो गया, तो दोनों जोड़ दे 5508 वर्ष सन 2000 में हो गए। अब 2000 से हम पीछे चले 1999 में तो हो गए 7 5507, 1998 में हो गए 6, और 1997 में हो गए 5505 वर्ष। बोलो सतगुरु देव की जय। अब एक और रहस्य दिखाते हैं कैसा क्लियर किया परमात्मा, कच्चा काम नहीं करता, ये भगवान का मार्ग है, किसी बालकों का शुरू किया हुआ नहीं है। अब फिर आपको कबीर सागर से एक और रहस्य दिखाते हैं, देखिएगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? रेखा दासी। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? राजगढ़ जिले से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2016 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं कोई किसी का नाम मतलब किसी की भक्ति नहीं करती थी, लेकिन मैं दुर्गा माता की भक्ति बहुत करती थी, दुर्गा माता को बहुत पूछती थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम नहीं लेता उससे पहले मैं पूरी तरह से मतलब भूत प्रेत रहता है ना, तांत्रिक विद्या अपने वालों ने किसी ने तांत्रिक विद्या में मुझे पूरी तरह से जकड़ रखा था, इतना बुरा था कि मतलब मैंने बहुत जितने भी देवी देवता हैं सब जितने देवी देवता सबके यहाँ जाती थी, लेकिन वो बस ये कहते थे कि 5 पैसे कर लो और आराम पड़ जाएगा। मैंने सभी देवी देवता कर लिया, सब जगह में कहीं पे आराम नहीं पड़ता था, और ऐसा रहता था सर जैसे मेरे सर पे सर ऐसा कोई भार बंधा हो, पत्थर रख रखा हो किसी ने, बस 24 घंटा रोते रहते थे, और ना तो कुछ खाना पीना कुछ नहीं, खाना पीना तो कुछ खिलता ही नहीं था, मैं पानी भी नहीं पीते, अगर पानी पीते तो अंदर दर्द होता था हमारे शरीर में, पूरे शरीर में हमारे अल्सर अल्सर हो रहे थे, और दवाई गोली भी खाते तो कुछ नहीं हूँ, दवाई गोली से मैं उल्टी आती थी और आराम नहीं पड़ता था। बहन जी आपने बताया कि आप देवी दुर्गा की पूजा करती थी, उनको अपना इष्ट मानती थी, और उनकी भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं हुए बल्कि परेशानियां ही परेशानियां रही, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में मेरे भैया है, मेरे भैया भाभी वो बाहर रहते हैं बड़ोदरा में, तो उन्होंने कह दी कब से नाम दीक्षा ले रखी थी दोनों ने, भाभी भैया दोनों ने, तो उनसे बात हुई थी फोन पे, उन्होंने हमें बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं टीवी पर, तो तू टीवी पर सत्संग सुन, लेकिन हम सब देवी देवता करके हम सबाड़ी से परेशान हो गए थे, तो हम किसी पे विश्वास नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं एक बार तू उनका सत्संग सुन टीवी पर, और यहाँ अपने पास में नामधाम केंद्र है वहाँ पर जाकर नाम दीक्षा ले ले, ठीक हो जाएगी, क्योंकि हमने सब कर लिया था नहीं तो हम विश्वास नहीं करते थे इन सब पे, तो हमने सोच लिया था कि अब हम कुछ भी नहीं कर, हम नहीं ले रहे किसी का नाम वाम, जो होगा वो देखा जाएगा, और क्या होगा इससे ज़्यादा मर जाएंगे, तो फिर भैया ने बोला कि नहीं पगली एक बार देख तो सही, मेरी बात सुन के तू एक बार देख बस, तो वहाँ पे मैं किराए से रहती थी, हमारे पास टीवी नहीं थी, पहले मोबाइल भी नहीं था मेरे पास, तो पास में अपने आंटी जी थी उनके घर पे मैं गई, तो उस दिन हमने सत्संग भी सुने थे, जब हम सत्संग सुने तो हमारा तो कुछ नहीं, बस थोड़ी देर में सर दुखने लग गया, फिर हमने भैया से बोल दिया कि हम तो नहीं मैं तो नहीं जा रही, मेरे को तो नहीं पसंद आया, तो फिर मेरे पथरी और अल्सर इसमें बहुत सारी बीमारियां हो रही थी मुझे, इतना दर्द होते थे, हम उनसे बोलते थे भैया से, तो भैया हम पे गुस्सा होते थे कि तू हमारी बात नहीं मानती और सुनती भी नहीं है, तो फिर थारे हिसाब से करवा तू इलाज, मेरा कुछ भी कर हमें कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरे दिन फिर हमने बोला कि भैया हमें दर्द हो रहा है ऐसा हो रहा, तो हमने उनको बताया था, उनने बोला कि तो बस एक बार वहाँ जा तो सही, एक बार मेरी बात सुन के और वहाँ पर उनसे देख क्या, तो वहीं पर ही नाम केंद्र खुला हुआ है, तो वहीं पर बोर्ड लग रहा था संत रामपाल जी महाराज का, बोर्ड हमने वहाँ पढ़ के
और फिर हम वहाँ पर नाम दीक्षा लेकर आए। बहन जी, हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से मिलते हैं, तो उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक और शारीरिक लाभ जरूर होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई ऐसे लाभ प्राप्त हुए? जी सर, हमें तो बहुत लाभ हुआ है संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद में, और अभी भी हो रहा है हमारे साथ। पहला लाभ तो हमें यह हुआ कि हमारे जो ये तांत्रिक विद्या जो किसी ने कर रखी थी, बहुत भारी तरह से कर रखी थी, देवी देवताओं ने तो सब बोलते थे कि नहीं तुम्हारी अगर ये निकाल करेंगे तो इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, मैं कुछ भी हो बस आप तो हमारे मेरे का निकाल कर दो। तो वो उन्हें बोलते थे तुम 5 पैसे कर लो, मैंने 5 पैसे की जगह कम से कम 10-15 पैसे कर ली, कुछ आराम नहीं पड़ता था हमें, बस हुआ कि वही हालत हो जाती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पता नहीं हमें एकदम से ऐसा हुआ कि जैसे कोई मतलब कोई भूत पलित थे, चार पांच थे बहुत, उनने काले कपड़े पहन रखे थे और ऐसे मुझे उठा के और वो पता नहीं किसी गड्ढे में खोद के और मेरी बलि चढ़ा रहे वहाँ पर। तो फिर हम सुबह ही उठ के हनुमान जी के मंदिर में गए। हनुमान जी के मंदिर में तो पंडित जी से बोला हमने कि हमारे साथ ऐसा वैसा हो रहा, पंडित जी ने बोला कि हनुमान जी की वो मली लगा लो आप, ठीक हो जाओगी इससे, और रोज यही प्रार्थना कराया करो, यहाँ पर रोज डेली आया करो। तो वो मली लगाई, उससे मली से भी कुछ नहीं हुआ हमारे। फिर हुआ कि वही हालत, जैसे हमने नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा लेते ही हमारे सर से पूरा भार उतर गया। बस हमने 1 महीना भक्ति करी, 1 महीना भक्ति करने में उसके पहले सार पूरे हम ऐसे ठीक हो गए जैसे हमें कुछ हो ही नहीं रहा था, पूरा सा भार उतर गया और हम खुद को भी ऐसा लगता था पहले जिसको पागल टाइप रहते थे बिल्कुल। फिर हम धीरे धीरे खाना खाने लग गए, हमारे अल्सर वल्सर सब ठीक हो गए, हमने एक दिन भी दवाई नहीं खाई। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें जो नाम दीक्षा दी थी, जो नाम बताए थे, हमने उसका जाप किए और उसे मंत्र करे, उससे हमारे सब कुछ आराम पड़ गया। और उसके बाद में जब हमारे उसके बाद पथरी भी हो रही थी, और पथरी का दर्द इतना होता था कि 24 घंटा दर्द होता रहता था उसमें, भले कितनी दवाई गोला खा लो हमें आराम ही नहीं पड़ता था। 1 महीने की दवाई देता था वो डॉक्टर, फिर वही हालत हो जाती थी, पर हमारी वो पथरी तो ठीक होने ही नहीं आ रही थी। तो फिर हम जैसे हमने नाम दीक्षा ली जाके हमने प्रार्थना लगाई परमात्मा गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की महाराज जी के यहाँ पर, जहाँ प्रार्थना लगाई तो वहाँ पर दंडोत करके और गुरुजी से प्रार्थना करी, हे संत रामपाल जी महाराज, मैं उनसे बोला पर कबीर परमात्मा आप आपके भरोसे हूँ, मेरे को इतना दर्द होता है मालिक मेरे, ये ठीक कर देना आप। बस मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था, इतना ही बोल के आई थी वहाँ पर, जिसमें मेरा तो वहीं से आराम पड़ गया था। उसके बाद में ना तो मैंने कोई दवाई गोली खाई, मेरा तो पथरी और अल्सर कुछ भी नहीं। जैसे आप तो मैं इतना मिर्ची मसाला वाला सब खाना पीना सब खाती हूँ, पहले तो मिर्ची मसाला वाला खाना भी नहीं खा सकती थी और ना ही मैं पानी पी सकती थी, इतने भयंकर अल्सर हो रहे थे मेरे पूरे शरीर में। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज मैं ठीक हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, जब से मेरी पूरी तकलीफ मालिक ने पता नहीं कहाँ खत्म कर दी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जो श्रद्धालु जो देख रहे हैं उन सभी भाई बहनों से मैं यही प्रार्थना करूंगी, यही बोलना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज जी से अपनी नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण कराए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा, जैसे टीवी पर सत्संग आते हैं उनके, उस पर नीचे पट्टी पर नंबर आते हैं, उस नंबर पर कॉल करके अपन पता कर सकते हैं। वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य रहते हैं, वो कोई भी आपको बता देंगे उनकी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ नाम धाम क्षेत्र है कहाँ नहीं है, वो आपको सब बता देंगे। आप उनसे पता पूछ के और नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब भगत। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।